हेलो दोस्त, कल आरआरसी बिलासपुर का सेकंड डीबी लिस्ट आ गया है 125 कैंडिडेट का। और 16 आरआरसी में लोगों का ऐसा ही उम्मीद है कि ऐसा होगा क्या, कम्युनिटी शिफ्टिंग। तो कम्युनिटी शिफ्टिंग समझते हैं कुछ लोग जो कह रहे हैं उनका भी प्रश्न लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो व्यूअर हैं। लेकिन कंसेप्ट अगर गलत है तो करेक्ट करना मेरा काम है। उनका एक कहना क्या है, पहले आपको उनके प्रश्न दिखाएंगे, फिर बात करेंगे आगे। तो उनके प्रश्न है, जैसे कई सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं कि आपको एक बार पहले समझना चाहिए कि यूआर में शिफ्टिंग तभी होगी कि जब कट ऑफ यूआर के आसपास आएगा और ओबीसी वाला कट ऑफ यूआर को टच करेगा या उससे ऊपर जाएगा, तब ये कट ऑफ कम होगा। ये आपको सीधी से समझ लेना चाहिए, नहीं तो आप फेक वीडियो बनाते हैं। पेपर कटिंग में अच्छा आता है डिटेल, तो पेपर कटिंग कोई भी कंसेप्ट हो सकता है, मैं किसी के पर्सनली नेम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन आपको कम से कम अगर आपको टेक्निकली ज्ञान चाहिए तो दो तीन चीज़ें आपको पता होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कम्युनिटी शिफ्टिंग मेरे कहने से होगा या नहीं होगा, ये कोई मैटर ही नहीं करता। रेलवे के पास अपना कंसेप्ट है, अपनी रूल है, अपनी फॉलो करने का तरीका है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्या है उसके बारे में तो हम बोल ही सकते हैं। कई जगह मैंने शुरुआत में ही बोला है कि साउथ में अच्छा होता है और नॉर्थ में तो कोई देखता भी नहीं है कि फाइल में क्या लिखा हुआ है, बस आगे बढ़ा दिया जाता है। ये तो हमने कंसेप्ट बात ही कर लिया है। अंदर में बहुत चीज़ें अनरूली होती है या उनका ऐसे ही रूल ही बना रखा है कि जिससे सही चीज़ें नहीं मिले। यानी आप कह सकते हैं कि अगर कोई चीज़ों को अगर फॉलो करना है तो एक के बाद दो आती है, दो के बाद तीन आती है, तीन के बाद चार आती है, चार के बाद पांच आती है, गिनती तो यही है। लेकिन कोई कहे कि एक के बाद मैं चार ही रखूं, तब तो आप कुछ नहीं कह सकते। यानी एक के बदले चार रखने का मतलब आपको कहाँ से आएगा, कंसेप्ट थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, भागना नहीं है। यूआर का कट ऑफ 65.14, मेन डीबी की कट ऑफ बात कर रहे हैं। ओबीसी का कट ऑफ 63.22, बिलासपुर की ही बात कर रहे हैं। सेकंड डीबी का कट ऑफ यूआर का 62.85 और ओबीसी का सेकंड डीबी कट ऑफ 62.35। अब लोगों का ये कहना है कि ओबीसी के कट ऑफ पहले 63.22 से अब 62.35 हो गया और यूआर का कट ऑफ 62.85 हो गया सेकंड डीबी में, तो पहले जो यूआर का कट ऑफ अभी है 62.85 और ओबीसी का 63.22 पहले था, तो इनके बीच में 85 और 15 के बीच में जो 0.27 का डिफरेंस है, ये वाले कैंडिडेट 0.37 सॉरी 37 का जो डिफरेंस है, ये वाले कैंडिडेट यूआर में केवल क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अगर 63 वाला कैंडिडेट ओबीसी में क्वालिफाई कर रहा है और जो कैंडिडेट 62.85 वाला जो कैंडिडेट रहेगा ओबीसी का मैं बात कर रहा हूँ और ये यूआर में क्वालिफाई कर रहा है, तो गिनती सही है क्या? नहीं, अभी भी नहीं समझे होंगे। तो रैंक पे आपको ध्यान देना होगा कि अगर 62 वाला 22 कैंडिडेट का रैंक अगर ओवरऑल 1000 है, मान लेते हैं, तो ये अगर जो कैंडिडेट ओबीसी में क्वालिफाई किया है 62.85, 63.22 वाला 1000, तो 62 पॉइंट लेके ये करीब 1100 भी हो सकता है, यानी 1000 से नीचे ही होगा। और इसको यूआर में क्वालिफाई कराया जा रहा है और ऊपर वाला ओबीसी में, कभी ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। इसके लिए और अब समझाने के लिए हमें थोड़ा सा और सहारा लेना पड़ेगा डाटा का। डाटा के लिए लेने के लिए थोड़ा सा चलेंगे हम आपके लिए आपके वेबसाइट पे ही, सिकंदराबाद का ही वेबसाइट है, मैं कोई घर से अपना डॉक्यूमेंट नहीं बनाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप पैनल आया था, 12 तारीख से पैनल शुरू हुआ, फिर पैनल आया, फिर पैनल हुआ, फिर मेडिकल स्टैंडर्ड की बारी आई, फिर उसके बाद फिर एक और पैनल आया। और जब पैनल कुछ ठीक ठाक आ गया तो इन्होंने एक डाटा दिया था, नोटिस फॉर कम्युनिटी वाई कैंडिडेट फॉर पोस्ट अलॉटमेंट, और उसके सेंस आपकी सारी चीज़ों को 18/4 का डाटा दिया था। देखिए, मैं सारी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, कोई घर की अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर ये डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो आपके पास दो चीज़ आएगा। तो डॉक्यूमेंट ये ओपन कर लीजिएगा आपको समझने के लिए। यहाँ से ये आपको डॉक्यूमेंट आया था नोटिस फॉर कैंडिडेट का, जिसमें बोला था रेलवे रिक्रूटमेंट सेल बिलासपुर का ये रिजल्ट है, जिसमें कैंडिडेट का सीरियल नंबर और ओवरऑल रैंक, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। कैंडिडेट का एक्चुअल कम्युनिटी और कैंडिडेट को कौन से कम्युनिटी में अलॉट किया गया है पोस्ट, उसके बारे में। यानी कैंडिडेट अगर हायर मेरिट में है, जो रैंक हायर है, तो उसको यूआर का पोस्ट दिया गया था, कोई इशू नहीं था, और जो लोअर है उसको लोअर दिया गया,
लेकिन ध्यान दीजिएगा, कई जगह इसमें भी आपको दिखेगा कैंडिडेट का ज़्यादा नंबर है और उनको हायर नंबर नहीं मिला है। ध्यान से देखिएगा, ओबीसी वाले में देखिएगा, ये देखिए ओबीसी का कैंडिडेट का 78 नंबर है, लेकिन ओबीसी क्यों अलाउट किया? इसके दो रीज़न हो सकते हैं, एक तो एज बेनिफिट का, यानी कैंडिडेट ने एज ले लिया तो ओबीसी ही माना जा, वो कैंडिडेट ने हुई एज ज़्यादा हो गया तो वो यूआर में नहीं जा सकता, ये भी इशू हो सकता है। और दूसरा, यहाँ पे जो रैंक मिला है ये मिला है जो हायर मेडिकल लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड C1 या B1 वाले पोस्ट का, तो ये भी एक इशू होता है पोस्ट अलॉटमेंट समय, अगर उनका कैंडिडेट का मेडिकल लोअर हो गया तो उन्हें लोअर पोस्ट मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यूआर का कटअप में अगर मान लीजिए, मान लेते हैं एक एग्जांपल यहीं से ले लेते हैं, हम कहीं पे ले लीजिए, यहाँ पे हम ले लेते हैं 316 पे जो ये ओबीसी कैंडिडेट हैं इनका रैंक ओवरऑल 316 है और इनका नंबर जो अभी हम बात कर रहे थे 63.22 है, अभी जो हम थंबनेल में बात कर रहे थे, ये कैंडिडेट किस में क्वालिफाई है, मान लेते हैं ओबीसी में। और अगर अगला कैंडिडेट आता है 62.85 लेके, वो यूआर में क्वालिफाई हो सकता है क्या? तो कहिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये कैंडिडेट का 316 रैंक है और जो 62.85 रैंक वाला कैंडिडेट रहेगा उसका कम से कम 400 रहेगा या 317 रहेगा या इससे ज़्यादा रहेगा, यानी इससे तो कम नहीं हो सकता। तो समझ लीजिए कि जब ओबीसी कैंडिडेट जिसका नंबर ज़्यादा है वो ऊपर रैंक में है, और रैंक सभी आरआरसी को बनाना होता है, लेकिन बहुत सारे आरआरसी तो किसी को नज़र भी नहीं आने देते हैं कि ओवरऑल मेरिट और रैंक क्या हुआ फाइनल डीबी के बाद, सब अपने अपने फाइल में छुपा लेते हैं, जिसके कारण से बहुत सारी चीज़ें डाटा नहीं निकलती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब रैंक बनेगी उस समय अगर कोई कैंडिडेट का सीरियल नंबर से नंबर जितने हैं, यहाँ पे देखिएगा नंबर जितने हैं उसके हिसाब से रैंक बनेगी, और उस रैंक में जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा वो यूआर में क्वालिफाई करेगा और जिसका कम नंबर रहेगा वो अपने कम्युनिटी में क्वालिफाई करेगा। इसी को तो मैंने बोला है कम्युनिटी शिफ्टिंग। तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे सारे लोग कहाँ से पता नहीं कटअप देख लिए, इस वाले कटअप देख लिए, वो कटअप के बदले बोल रहे हैं कि यूआर का कटअप कम हो गया है, जिसके कारण से यहाँ से ये जो 125 लोगों का डीबी में आया है, तो यहाँ एक मिनट नीचे में ये यूआर का कटअप 62.85 आ गया है और ओबीसी का 62.35 आ गया है, और ओबीसी का पहले ये ज़्यादा था, ये 63.22 था, तो यहाँ से ये जो कटअप कम हुआ, यानी यहाँ पे जो मेन डीबी से यहाँ पे ओबीसी यूआर का कम हुआ, इसलिए कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई कीजिए। ऐसा नहीं है, कैंडिडेट का जब मेरिट बनेगा, रैंक बनेगा, तो उनका ओवरऑल नंबर देखेगा, यानी जो कैंडिडेट, मैं सिंपल सी बात कर दूं कि जो कैंडिडेट यहां से अगर पहले ओबीसी में क्वालिफाई थे 63.22 वाले, वो कैंडिडेट यूआर में काउंट होंगे जो ऊपर से रैंक बनेगी, और जो नीचे वाले जो कैंडिडेट होंगे ओबीसी वाले वो ओबीसी में होंगे, जिसके कारण से ये रैंक सारा फिर से चेंज होता है जब फाइनल स्टेटस आता है। हाँ, अगर रेलवे करना ही नहीं चाहे, अगर अंदर अंदर कुछ भी करते रहे और आपको बताए नहीं तो अलग बात है, लेकिन ऑफिशियल रूल ये कहता है कि जो जिसका ज़्यादा नंबर है उसका हायर रैंक और जिसका कम नंबर है उसका लोअर रैंक। और ये आप कई सारे आरआरसी में देख सकते हैं, जबलपुर में भी देख सकते हैं, और आपके सामने एग्जाम्पल है कि यूआर में और ये किया है, बशर्ते वो कैंडिडेट की मेडिकल स्टैंडर्ड सही हो और उसकी पोस्ट अलॉटमेंट समेत आपकी उनकी सबकी पोस्ट प्रायोरिटी दिया हुआ हो। हायर नंबर है कैंडिडेट का, रैंक भी हायर है, लेकिन उसे पोस्ट अलॉटमेंट नहीं हो सकता जब मेडिकल स्टैंडर्ड लोअर हो और उसकी लोअर का पोस्ट कम हो। ये सारे चीज़ें मैटर करता है थोड़ा, मतलब वो चीज़ें, लेकिन ये नहीं, ध्यान दीजिएगा कि आप जो कह रहे हैं, मैं यूआर का लास्ट में लेके आता हूँ, यहाँ पे यूआर का जो कैंडिडेट कह रहे हैं, यूआर का कटअप कहाँ आता है, एक मिनट, यूआर का ज़्यादा कैंडिडेट है यहाँ से तो यूआर का कटअप जैसे ही यहाँ ख़त्म होगा, यहाँ से देखिएगा यूआर का कटअप ख़त्म होगा, तो यूआर के बाद से जो कैंडिडेट का नंबर होगा वो देखिए चेंज हो जाता है। यूआर का कैंडिडेट इतना है 65.14, जो लास्ट कैंडिडेट की बात हो रही है यही यूआर में था, अब ये यूआर से घट के नीचे की तरफ आई, तो कैंडिडेट का जब रैंक बनेगा तो ये 64.92 वाला एक सीट कैंडिडेट जो आना चाहिए किस में, यूआर में, जो कई आरआरसी नहीं करते हैं, लेकिन जब वो रैंक बनाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमने कहाँ गलती की है, और गलती की है
तो वो पब्लिक में डाटा ही नहीं आएगा, जिसके कारण से कई लोगों को लगता है कि ये शिफ्टिंग नहीं हुई। और शिफ्टिंग क्यों नहीं होगी, जब कैंडिडेट का एक्चुअल दिख रहा है कि कैंडिडेट का ये नंबर ज़्यादा है और एसी पोस्ट अलॉटेड किया गया है। और देखिए यहाँ पे एसी भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, और यहाँ पे आपको देखेंगे तो एसी के अलावा भी बहुत सारे कैंडिडेट, एक मिनट, एसी में भी कैंडिडेट हैं कभी कभी 8-10। उसके बाद आप देखेंगे एसटी में कैंडिडेट में अभी देखिए 63.1, एक आध कैंडिडेट यहाँ से भी, दो कैंडिडेट तीन कैंडिडेट आ सकते हैं यहाँ से, ये वाला से जो यूआर में क्वालिफाई करेंगे। और यहाँ से अगर देखिएगा ओबीसी में, तो ओबीसी का देखिए, ओबीसी में जो कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी ओबीसी में क्वालिफाई हैं, इतने नंबर लाने के बाद वो वाले कैंडिडेटों को यूआर में कंसीडर किया जाएगा, बशर्ते ये कैंडिडेट एज बेनिफिट नहीं लिए हो। वैसे ही एससी वाले कैंडिडेट ने एज बेनिफिट नहीं लिए हो, क्योंकि आपको पता है कि यूआर के लिए एज सबसे कम है, और जो अभी वो 30 या बढ़ा के एक्सटेंशन लगा के 33-32 साल होता है वो है, लेकिन अगर एसी की बात करेंगे तो 33 हो जाता है ओबीसी का नॉर्मल, यानी जो कैंडिडेट का एज का ज़्यादा बेनिफिट होता है 30 यूआर का, उसके बाद एसी ओबीसी का 33, एसी का 35, एसटी एटी का, तो वो वाला एज जितनी भी हो, एग्जैक्ट एज की नहीं बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि वो कंट्राडिक्शन होगा, जितनी एज बेनिफिट ले लिए वो यूआर में नहीं जा सकते क्योंकि यूआर के लिए कम एज होती है। यानी कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो सीधी सीधी क्या है कि आपको एक चीज़ दिखेगा कि जब रैंक बनाएगा ना आरआरसी, तो आप किसी भी आरआरसी में जाके क्वेश्चन पूछ लीजिए कि मेरा रैंक अगर ये दिया हुआ है और मेरा रैंक इतना है तो इस रैंक से मेरा सिलेक्शन यूआर में क्यों नहीं होगा, तो उनकी क्या हो जाएगी सारी ये जो डाटा है जो कम्युनिटी शिफ्टिंग वाला है, और वो गलत किए हैं तो पकड़े जाएंगे, अगर सही किए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन रूल तो यही कहता है, मैं तो रूल की बात कर रहा हूँ, बाकी क्या अलॉट होगा वो अलग बात है, रूल तो यही कहता है ज़्यादा नंबर यूआर सिलेक्शन, कब, जब सारी फुलफिल कर रहा है मेडिकल एज बेनिफिट वगैरह वगैरह यूआर की क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, कम नंबर कम्युनिटी सिलेक्शन, सिंपल सी बात है। और कम्युनिटी शिफ्टिंग तभी होती है कि यूआर में हायर वाले कैंडिडेट को लिया जाता है, बाकी आपकी मर्जी, अपने हिसाब से देख लीजिए। जो लोग कमेंट कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि जब रैंक बनेगी तब क्या होगा, मैं बता दे रहा हूँ। ये जैसे कैंडिडेट कह रहे हैं कि आप पढ़ लो, तो देखिए हमने तो बहुत पढ़ा है, कोशिश आप कर लो कि कम से कम मेहनत आप कर लो जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि ओबीसी वाला कैंडिडेट 63 वाला ओबीसी में नहीं हो सकता जब तक वो यूआर के लिए एलिजिबल है, एलिजिबल नहीं है तो अलग बात है। उसके बाद अगर ओबीसी वाला 62.35 वाला जो कैंडिडेट है वो यूआर में क्वालिफाई नहीं कर सकता जब तक उसके हायर साइड वाले कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई नहीं किए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।